ग्राउंड जीरो से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वो खबर जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, जिसका आम लोगों के जनजीवन पर खासा प्रभाव पड़ रहा है, तो देखिए ये खास खबर। अभी हम खड़े हैं गुमला के वृंदा के सलिया टोली गांव में, और इस गांव की अगर हम बात करेंगे तो अब तक सरकार की कोई भी योजनाएं इस गाँव में नहीं पहुँची है। यहाँ पे हमारे साथ गाँव के कुछ लोग मौजूद है और उनसे ही बात करेंगे इस पूरे गांव की समस्याओं के बारे में। और हमारे साथ कुछ गांव के लोग हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गांव में बताइए सबसे पहले क्या समस्या है। अभी क्या समस्या रहेगा रहने को, तो ये इस गांव में आज़ादी इतना दिन हो गया, 70-72 साल हुआ, 70-72 साल में एक भी हम लोग को कच्ची रोड भी नहीं मिला। आने जाने को स्कूल बच्चों लोगों को बहुत तकलीफ होता है, बड़े लोगों को भी बाजार हाट करने को तकलीफ होता है, और क्या बताएंगे समस्या तो ये। तो जिला मुख्यालय से तकरीबन 5 किलोमीटर दूरी में ये गांव स्थित है, लेकिन बावजूद इसके इस गांव से जिला मुख्यालय जाने के लिए 30 किलोमीटर जंगली रास्तों से होकर यहां से गुजरना पड़ता है, क्योंकि यहां पे सड़क अभी तक सड़क की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पे और भी कुछ लोग हैं जिनसे जानने की कोशिश करेंगे और भी क्या कुछ समस्याएँ हैं। बताइए क्या समस्या है, दिक्कत क्या दिक्कत? घर का एकदम कमजोरी है कि घर नहीं मिलता है, और सिंगल आदमी है, काम करने के लिए मुश्किल हो रहा है। वो बना रहे थे, वो भी गिर गया, वो भी बहुत नीचे आ गया, दीवार भी कच्चे तो वही सब के सपोर्ट करने के लिए नहीं चल रहे। चलिए आप बताइए, और कुछ विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं यहाँ पे, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या समय पढ़ाई लिखाई को लेकर क्या सुविधा यहाँ पे गांव पे है। हम लोगों को पढ़ाई लिखाई करने में बहुत परेशानी होती है, क्योंकि यहाँ से हम लोग को 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, क्योंकि बीच में नदी पड़ता है, वहाँ पर पुल भी नहीं है, इसलिए हम लोग पढ़ाई नहीं करने सक रहे हैं। बहुत मुश्किल से घूम के जा के फिर पढ़ाई अपना करते हैं। तो यहाँ के छात्रों की भी बहुत समस्याएं हैं, लेकिन अगर रोजगार की अगर हम बात करें तो रोजगार को लेकर गांव में सरकार की क्या योजनाएं चल रही हैं, गांव के लोगों को कितना फायदा मिल रहा है, इस बारे में भी जानकारी लेंगे। बताइए रोजगार की अगर बात करें क्या यहाँ पे गांव में रोजगार सरकार के लोग के गाँव में जब का तो प्रयास सबका ही है, लेकिन जो मनरेगा काम है वो काम तो मिल भी नहीं किया है, हम लोग जानते हैं उस टाइम से नहीं मिला है, कभी नहीं मिला है। रोजगार की भी बहुत समस्या है यहाँ पे, और भी यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि बताइए क्या दिक्कत है। हमरे के दिक्कत है, अब हमरे के राशन कार्ड न थे, और नदिया है, नदी लांग निकले पारबे नहीं करी, दुख बीमार है तो हमें कहाँ जा, गरीबी आदमी, और हमारे घर भी है ना के गुहार घर में आई, हमें कोनो नहीं मिली। और बताइए आप क्या दिक्कत है। हमें के विधवा ना मिर्धा कुछ नहीं मिलत है, 2-3 ठोके मिलत है, हमारे कोनो नहीं मिलत है, राशन नहीं मिलत है। क्या गुआ है विधवा गाँव में, 25 समस्याएं यहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ पे हमारे साथ समाज सेवी भी मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस गांव के विकास को लेकर, यहाँ के गांव की लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पे समाज सेवी के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है, और अब तक विकास नहीं हुआ है, उसके बाद आगे किस तरह का रूपरेखा तैयार की जाएगी। अभी जिस गांव में हम मौजूद हैं, ये गुमला प्रखंड से कुछ 8 किलोमीटर में स्थित है, जिस गांव में अभी हम लोग खड़े हैं, इन लोग का समस्या को हल करने के इच्छा से आए हैं, और चाहते हैं कि ये लोग भी जो विकास के लिए दिया जा रहा है इनको भी लाभ मिले। हम कोशिश कर रहे हैं, इस पहल में लगे हुए हैं, और ये आग्रह करते हैं जिला प्रशासन से, जो हमारी झारखंड सरकार है उनसे आग्रह है कि इन लोगों तक भी जो विकास पब्लिक के लिए दिया जा रहा है, वो भी विकास का जो भी लाभ है वो इनको इन लोगों के तक पहुँचे, हम इसके लिए पहल कर रहे हैं। अभी लॉकडाउन के वजह से और कोरोना काल के वजह से बहुत दफ्तर बंद हो चुकी हैं, जिसके वजह से हम लोग नहीं जा पा रहे हैं,
अच्छा, आवेदन तो हम लोग कई बार अधिकारियों तक दे चुके हैं लेकिन इन पर कोई पहल नहीं हुआ है, कोई प्रकाश नहीं हुआ है, कोई नजर नहीं दिए हैं यहाँ पर। और हम इसीलिए गुजारिश है कि प्रशासन से कि इनको मदद पहुँचाया जाए, क्योंकि विकास के दायरे से देखा जाए तो ना यहाँ पीने का पानी उपलब्ध है, ना पीएम आवास। अभी जगह जगह घर बन रही है लेकिन यहाँ 30 परिवार है जिसमें 2-3 का अभी तक मकान बना हुआ है। रहने के लिए घर नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है। अगर बरसात पहुंच जाए तो ये लोग किसान भी हैं, खेती भी करते हैं कुछ लोग, जिनको बेचने के लिए लोग 8-10 किलोमीटर जाना पड़ता है और वे अपने सर के बल ढोकर, ना यहाँ कोई गाड़ी है और साइकिल ले जाते हैं तो नदी में डूबने का भी डर है। इस तरह से ये लोग समस्या से जूझ रहे हैं, प्लस अगर बर बीमार हो जाते हैं तो इनको एक इंजेक्शन तक दिलवाने के लिए पीठ के बल बांध कर या फिर साइकिल के थ्रू से ले जाया जाता है, वो भी 30 किलोमीटर तय करके। तो आप लोग आगे आंदोलन की तो इसलिए हम लोग प्रक्रिया तो चालू कर दिए हैं, अगर इन पर कोई पहल ना किया जाए तो मजबूरन हम लोग जाएंगे डीसी ऑफिस का घेराव करेंगे, और हम लोग को जब तक इसका हल नहीं मिलेगा तब तक हम लोग रोड में उतर जाएंगे। तो सरकार के द्वारा जिस तरह से गाँव के विकास के लिए तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही है, लेकिन अभी हम जिस गाँव की बात कर रहे हैं ये गुमला सदर प्रखंड का ये हाल है। अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गुमला के दूरस्थ गांव का क्या स्थिति होगी। अब ऐसे में देखना होगा कि इस गांव के विकास के लिए सरकार कब पहल करती है और कब इस गांव का विकास हो पाता है। कशिश न्यूज के लिए गुमला से सुनील चौबे। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के गृह जिले में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। जी हाँ, हम बात एम्बुलेंस की कर रहे हैं। जहां इस कोरोना काल में एम्बुलेंस की हाहाकार मची हुई थी, वहीं सिवान में एम्बुलेंस खरीदारी के लिए होड़ मची हुई है। जो माननीय है एमएलसी विधायक, वो एम्बुलेंस खरीदारी में लगे हुए हैं। ताजा मामला एमएलसी टुन्ना जी पांडे, पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा, पूर्व विधायक व्यासदेव प्रसाद से जुड़ा हुआ है। इन सभी लोगों ने टोटल 21 एम्बुलेंस की अनुशंसा की थी, जिसमें सभी एम्बुलेंस की खरीदारी हो गई है। और खरीदारी के पीछे जो इस इलाके के अधिकारी हैं वो रुपए की बंदरबांट करने में लगे हुए हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि एक एम्बुलेंस की खरीदारी में 7,50,000 की होनी चाहिए थी, जिसमें सभी इक्विपमेंट होते हैं। एक एम्बुलेंस में वो पूरे इक्विपमेंट लगे होते हैं, ऑक्सीजन से लेकर मरीज को जो वेंटिलेटर की बात करें वो सारे चीज़ें लगी रहती हैं। लेकिन सिवान में एक एम्बुलेंस की खरीदारी एक प्राइवेट कंपनी से 21,22,00,000 में किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि 7,50,000 का एम्बुलेंस अगर 22,00,000 में खरीदारी होती है तो एक कितना बड़ा घोटाला हुआ है। हम वो सारे पेपर आपको टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप देख के हैरान हो जाएंगे कि एम्बुलेंस में कितना बड़ा घोटाला हुआ है। जहाँ पीएससी है, ब्लॉक है ना, वहाँ के पदाधिकारी से बात करके इसको चलवाने की जिम्मेदारी आपको है, आपको उसको देख रेख करना है। अब एम्बुलेंस हम भेजेंगे और उसको आप देख रेख करिए, उससे मरीज का सेवा करिए, तो उन लोगों से एनओसी ले करके तब वहाँ उस जगह भेजा जाएगा, हर ब्लॉक में जाएगा। हम जाके पुलिस वर्तमान और पूर्व विधायक को डीपीओ से मिल करके 7,00,000 का एम्बुलेंस जी 81,80,000 में खरीदा है लोग जी। इसके संबंध में हमने मुख्यमंत्री को 26 मई को एक पत्र लिखा जी, इस पर मुख्यमंत्री आदेश गलत है, आदेश दिया है जांच के लिए। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री आप कहाँ हैं? आपके जिले में अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, आपके गृह जिले में घोटाला पे घोटाला हो रहा है और एम्बुलेंस पे घोटाला हो रहा है, आप सजग होइए, देखिए कि आपके इस गृह जिले के अधिकारी क्या कर रहे हैं। एम्बुलेंस की अनुशंसा हो जाती है और जो डीपीओ है राजीव कुमार, उनके दस्तखत से एम्बुलेंस निकल जाता है। एक एम्बुलेंस की खरीदारी में 7,50,000 की होनी चाहिए थी, लेकिन वो 22,00,000 की
खरीदी गई। सारे वो पेपर हैं मेरे पास, वो पुख्ता सबूत है जो दर्शाता है कि इस एम्बुलेंस खरीदारी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। रघुनाथपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री रह चुके विक्रम कुंवर ने मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है और पत्र में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सीवान में एम्बुलेंस खरीदारी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। इधर मुख्यमंत्री को जैसे ही इसकी भनक लगी, उन्होंने जांच का आश्वासन दे दिया है और जांच के लिए टीम का गठन भी कर दिया है, जांच की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कौन से अधिकारी इस एम्बुलेंस घोटाले में सामने आते हैं, कौन अधिकारी इसमें फंसते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि छोटे तबके के जो अधिकारी हैं उनको फंसा दिया जाता है और बड़े अधिकारी आराम से निकल जाते हैं। ये देखने वाली बात होगी कि सही जांच क्या सिवान के जिला अधिकारी कर पाते हैं या विभाग के जो अधिकारी बड़े अधिकारी हैं वो कर पाते हैं। कैमरामैन पौरुष कुमार के साथ निरंजन कुमार, कशिश न्यूज, सिवान। इसके साथ इस ग्राउंड जीरो में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे कशिश न्यूज। नमस्कार।